हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। ये हमारा पार्ट थर्ड है, जिसमें अगेन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो जानते रहिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है, तो दूसरे नंबर पे जो देश आता है वो आता है कनाडा। और कनाडा देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अदर पॉइंट की बात करें तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो हमारा आंसर हो गया था कनाडा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और अगर आ जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, वेटिकन सिटी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा है, वो है सातवां है। ये आपको याद रखना। तो एक ही क्वेश्चन हमारे पास यहां फोर क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले क्या करना है, आपको यह याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है रशिया या रूस। और सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी यही है। और अगर आ जाए भारत के बारे में, कि भारत की अगर बात करें, स्थिति की बात करें, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वह है सातवां, यह याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। तो जानते रहिएगा, जिस देश ने भारत यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी या दिया था, वो देश है फ्रांस। और फ्रांस देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि कहाँ पे है, यूएसए में है, इसको किसने दिया था यूएसए को भेंट के रूप में, फ्रांस ने दिया था। तो कुछ और पॉइंट्स आइए जान लेते हैं, अदर पॉइंट। अब आते हैं अदर ऑप्शन को अपने देख लेते हैं। देखिए अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा गया है देश का, जो यहाँ क्वेश्चन आया था कि यूएसए में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसको किसने भेंट की थी, तो हमारा आंसर हो गया कि फ्रांस ने। लेकिन अब अदर भी कुछ स्टैचू ऑफ जो भी हैं इसको भी आइए डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे वन बाई वन यहाँ सारी चीज़ें नोट कर दी गई हैं। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगर ये कहें स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये है कहाँ पे, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, ये अमेरिका में है। ठीक, फिर बात आती है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें पता है कि ये भारत में है। और ये किसकी स्टैचू है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। और ये कहाँ पे है, गुजरात, हमारे देश गुजरात में है, गुजरात में, गुजरात राज्य में है, हमारे देश भारत में। और अगर नेक्स्ट बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है, जो कि हैदराबाद में एस्टैब्लिश की गई है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, जो कि बनाई गई है बोधगया बिहार में। और अगर लास्ट की बात करें स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, तो जानते हैं कि स्टैचू ऑफ पीस जो है ये आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की है, और ये राजस्थान में बनाई गई है प्रतिमा, ये जानते रहिएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है कि पहले तो क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, अमेरिका में है। अमेरिका में ये कहाँ से आई थी, इसको फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। ठीक, और अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, जो कि हैदराबाद में है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, जो कि बोधगया बिहार में है। और स्टैचू ऑफ पीस जो है आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की प्रतिमा है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था। तो जानते रहिएगा, मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट ये भी जान लेते हैं कि श्रीहरिकोटा है कहाँ पे। तो जानते रहिएगा, श्रीहरिकोटा जो है ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में है, ये याद रखना है, उड़ीसा में है श्रीहरिकोटा। और जानते रहिएगा श्रीहरिकोटा जो प्रक्षेपण केंद्र का नाम अगर बात करें, तो इसका प्रक्षेपण केंद्र जो है इसका याद रखिएगा। अगर बात करें इसके, इसका प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण केंद्र, इसका प्रक्षेपण केंद्र का क्या नाम है, अगर इसकी बात करें, तो जानते रहिएगा प्रक्षेपण केंद्र का जो नाम है वो है सतीश, लिखेंगे यहां सतीश चंद, लिखेंगे सतीश धवन
सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये पूरा नाम है जानते रहेगा। तो हमारा जो श्रीहरिकोटा जो मंगलयान लॉन्च किया गया था कहाँ से किया गया था, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और जो उड़ीसा में श्रीहरिकोटा है इसका जो प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये पूरा नाम है इतना याद रखिएगा। तो इसमें कई आपके क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, मंगलयान को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा ये कहाँ पे है, तो ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका लॉन्च का नाम है, जानते हैं लॉन्च केंद्र का नाम है। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिम वेल्स और लैरी सेंगर किसके किससे संबंधित हैं। तो जानते रहेगा जिम वेल्स और जो जिम वेल्स हैं और जो लैरी सेंगर हैं ये संबंधित हैं, याद रखिएगा ये संबंधित है विकिपीडिया से। और विकिपीडिया दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पे, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिम वेल्स और लैरी सेंगर इनका जो रिलेशन है किससे है, विकिपीडिया से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखा है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो जानते हैं कि सेशेल्स द्वीप जो है ये स्थित है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर दिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सेशेल्स द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ सिक्स नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जानते रहेगा इंटरपोल का जो मुख्यालय जो स्थित है ये स्थित है लाओस में, और लाओस देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इंटरपोल का मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पे है, लाओस में है, ये याद रखिएगा। अब अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए अगर अदर ऑप्शन की बात, हमें पता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लाओस में है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कहें पेरिस, अगर कहें कि पेरिस में किसका है मुख्यालय, तो जानते रहेगा पेरिस में जो मुख्यालय है वो है आपका UNESCO, यूनेस्को। यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पेरिस में, याद रखना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। जैसे इंटरपोल का मुख्यालय लाओस में है, उसी तरह यूनेस्को का कहाँ मुख्यालय है, पेरिस में है। अगर बात करें लंदन में, तो लंदन में किसका मुख्यालय है, तो जानते रहेगा लंदन में जो आपका मुख्यालय है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। तो यहाँ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यहाँ नोट कर लेंगे हम, कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये आपका लंदन में है, याद रखिएगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। और अगर बात करें ब्रुसेल्स में किसका है, तो ब्रुसेल्स में जानते रहेगा नाटो, नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नाटो का मुख्यालय है ये आपका ब्रुसेल्स में, ये याद रखना है। तो ये आपको ये जो भी है ये सारी चीज़ याद रखना है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, लाओस में है, यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस में है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का कहाँ पे है, लंदन में है, और जो ब्रुसेल्स जो है यहाँ पे जो है वो नाटो का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। तो जानते हैं कि कुचिकल जो जलप्रपात पाया जाता है ये पाया जाता है कर्नाटक में, और कर्नाटक देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कुचिकल जलप्रपात जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। कुछ और जलप्रपातों के नाम देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा था कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो हमारा आंसर हुआ कर्नाटक में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि एंजिल, अगर आ जाता है एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो जानते रहेगा एंजिल जलप्रपात पाया जाता है वेनेजुएला में, ये जानते रहेगा देश का नाम है वेनेजुएला। और अगर आ गया कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो जानते हैं नियाग्रा जलप्रपात जो पाया जाता है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे तीन जलप्रपात के नाम आप देख चुके हैं, पहला है कुंजिकल जलप्रपात, ये हमारे भारत देश में कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, और एंजिल जलप्रपात आया तो वेनेजुएला में ये पाया जाता है, ये देश का नाम है जानते रहेगा। और नियाग्रा जो जलप्रपात पाया जाता है, नियाग्रा जलप्रपात जो पाया जाता है ये पाया जाता है कनाडा और यूएसए की सीमा पर, ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं अपने एट्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो जानते रहे कागज का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चाइना चीन में, और चाइना देखिए चीन की बात आई ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चाइना में हुआ था, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कागज का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो जानते रहेगा अगर पूछ ले यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक, अगर आ गया कि सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादक जो देश है याद रखिएगा वो आपका है, सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो आपका है कनाडा,
तो ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन तो यहाँ पे आया है कि आपका कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो आपका ये है हमारा आंसर चाइना। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है या किस देश में होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कनाडा होगा, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं 9th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो जानते रहेंगे इन चारों, देखिए जो भी गैसों की बात यहाँ की गई है, तो जानते रहेंगे इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा आया है सी, कार्बन डाई और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है, ये जानते रहिएगा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैसों के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इन गैसों में से वह गैस जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है वो कौन कौन सी गैसें हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है, ये आपको याद रखना है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है, तो जानते रहेगा देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं, कांसा, सोना, चांदी और तांबा। तो जानते रहेगा इन चारों की बात करें तो इन सभी में जो ऑरम जिसे कहा जाता है, ऑरम कहा जाता है सोना को, सोना दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सोना को ऑरम भी कहा जाता है, तो ऑरम किसको कहा जाता है, सोना को, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो जानते रहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आया है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ और बातें आइए जान लेते हैं, अदर पॉइंट्स में ये जान लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पे, तो हमारा आंसर था ये कौन सी है, ये है सुपीरियर झील। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, सबसे बड़े खारे पानी की झील की अगर बात की जाएगी, तो जानते रहिएगा खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन झील। जानते रहिएगा कैस्पियन सागर झील है, और ये याद रखिएगा अगर क्वेश्चन होता सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाता है कैस्पियन सागर झील। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील का, भारत की अगर सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात की जाए, तो वो कौन सी झील है, चिल्का झील है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन से, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, वो है वूलर झील, जो कि आया है आपने लास्ट में, आप देख रहे हैं वूलर झील। तो आपको यहाँ पे देखिए तीन यहाँ पे फोर क्वेश्चन यहाँ मिल गए। अगर आ जाए कि सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। अगर आ जाए सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन से, कैस्पियन सागर झील। अगर आ जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील। और आ जाए भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की जो झील है वो है वूलर झील, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, देखिए 12th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। इसका मतलब देखिए ओलंपिक में जिम्नास्ट में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो जानते रहिएगा हमारा यहाँ जो सही आंसर होगा वो नदिया कोमेनकी, और नदिया कोमेनकी देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, तो वो थे नदिया कोमेनकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। 13th नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो जानते रहेगा अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह। अब बहादुर शाह देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, बहादुर शाह। हाँ, और इसमें कुछ और अगर पॉइंट की बात करें, ये तो अंतिम मुगल सम्राट की बात होगी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन है, वो बहादुर शाह। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि प्रथम मुगल सम्राट या जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो कौन था, तो जानते रहेगा वो था बाबर। जानते रहेगा बाबर जो था इसने क्या था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है मुगल साम्राज्य का संस्थापक इसे कह सकते हैं, ये क्या था, मुगल साम्राज्य का
संस्थापक, इसने ये संस्थापक था, इसने क्या किया, स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। और अगर बात करें कि न्याय की जंजीर लगवाने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो जानते रहेगा ये जो था जहांगीर था। जहांगीर ने क्या किया था, न्याय की जंजीर, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि न्याय की जंजीर लगवाने वाला, अगर आ जाए क्वेश्चन न्याय की जंजीर लगवाने वाला मुगल कौन था, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह। मुगल साम्राज्य या मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक या इसकी नींव जो कौन किसने रखा था, वो बाबर ने रखा था। जहांगीर के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा कि न्याय की जंजीर लगवाने वाला मुगल जो सम्राट जो था वो कौन था, वो था जहांगीर, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था, तो जानते रहिएगा दीन ए इलाही का जो प्रचारित किया गया था, ये किया गया था अकबर के द्वारा। और अकबर देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि दीन ए इलाही जो प्रचारित किए गए थे कब किया गया था, तो ये किया गया था, याद रखिएगा, ये किया गया था आपका 1582 में। तो 1582 में ये आपका समय भी चाहे तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि दीन ए इलाही का जो प्रचार प्रसार किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 1582 में। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी, तो जानते रहेगा लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम जो उम्र जो है सीमा है वो है 25 ईयर 25, देखिए 25 आया ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ और आइए पॉइंट जान लेते हैं, अदर पॉइंट की बात करें। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी, तो वो तो होगी 25 ईयर। लेकिन अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए अदर अगर बात करें कुछ और पॉइंट की, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए थी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन होता विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 वर्ष। अगर होता कि विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए एज क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आ जाए कि प्रधान मतलब जो ग्राम प्रधान होते हैं जो सरपंच होते हैं उसको अगर चुनाव लड़ने के लिए एज क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 21 ईयर मतलब 21 साल होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन होता कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए नागरिक की, तो होनी चाहिए 35 ईयर। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, प्रधान या सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। तो ये आपको पॉइंट क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं, तो रात में जो चमकते हुए जो तारे होते हैं उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो जानते रहिए रात में जो सबसे ज़्यादा जो चमकीला जो तारा होता है वो होता है साइरस, उसका नाम है साइरस स्टार। साइरस देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है रात में आकाश में सबसे चमकीला जो तारा होता है उसका नाम क्या है, साइरस ए या फिर साइरस स्टार, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं 17 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, अगर कोई ग्लेशियर है ग्लेशियर में जो गहरी दरार, ग्लेशियर आपको पता है कि बहुत बड़ा हिमखंड होता है, तो उसका जो एक बहुत बड़ी जो गहरी जो दरारें होती है उस गहरी दरार को हम क्या बोलते हैं, तो जानते रहेगा एक ग्लेशियर में जो गहरी दरार होती है उस गहरी दरार को हम बोलते हैं क्रेवासे, और क्रेवासे देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एक ग्लेशियर में जो गहरी दरार पाई जाती है उस गहरी दरार को क्या कहा जाता है, क्रेवासे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं हम यहाँ पे 18 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो जानते रहिएगा सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, और खान अब्दुल गफ्फार खां देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सीमांत गांधी से गांधी जी ने कहा जाता है वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्विंसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है, तो जानते रहे क्विंसबेरी नियम का नामक जो कोड का जो अनुसरण किया जाता है ये किया जाता है मुक्केबाजी में, और मुक्केबाजी की बात देखिए आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए हमारा आया है यहाँ पे सी में आया है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्वींसबेरी नियम नामक कोड जो अपनाया जाता है या जो अनुकरण किया जाता है, जिसका पालन किया जाता है, ये नियम किस खेल का है? मुक्केबाजी खेल का है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो जानते रहिए, जिस देश ने फुटबॉल विश्व कप को सबसे ज़्यादा बार जीता है वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, ब्राज़ील ने फुटबॉल विश्व कप को सबसे ज़्यादा बार जीता है। अगर कहें कितनी बार जीता है तो जानते रहिएगा ये जीता है, ये टोटल 5 बार जीता है। कितनी बार? ये 5 बार ये जीता है। याद रखना है आपको कि टोटल जो ब्राज़ील है, ये फुटबॉल विश्व कप को इसने टोटल 5 बार जीता है। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाता है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको हम क्या कहते हैं? तो जानते रहिएगा, थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको कहते हैं बाहत। और बाहत देखिए है, यहाँ आप देखिए बाहत आया है, तो बाहत हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, हाँ ये आंसर जैसे आपको बाहत आया है तो कहीं कहीं थाई बाहत के नाम से भी मिल सकता है, मतलब बाहत की पहले जो कि थाईलैंड का है तो पहले थाई शब्द मिल सकता है। तो ये बाहत जानते रहिएगा, थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? बाहत कहते हैं। कहीं कहीं आपको थाई बाहत भी नाम मिल सकता है। हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें युआन कहाँ की मुद्रा है, तो जानते रहिएगा युआन जो है ये आपकी चाइना की है। जानते रहिएगा ये कहाँ की मुद्रा है, ये चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? युआन बोलते हैं। और अगर आया कि रिंगिट ये कहाँ का है, तो जानते रहिएगा रिंगिट जो है ना ये आपका है, ये है मलेशिया का। तो याद रखना है मलेशिया की जो मुद्रा है उसे हम क्या बोलते हैं? रिंगिट बोलते हैं। और रुपया तो ये तो हमें पता है कि हमारा भारत की ही मुद्रा है, भारत, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब में क्या चलता है? रुपया चलता है। तो आपको क्लियर हो गया कि रुपया कहाँ का है? भारत का हो गया। रिंगिट क्या हो गया? मलेशिया का हो गया। बाहत जो हो गया थाईलैंड का हो गया। युआन जो हो गया वो चाइना का हो गया, चीन का हो गया। तो ये में भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं देखिए 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो कह रहे हैं कि मध्ययुग में लिखी गई कौन सी ये पुस्तक जो है गणित की विषय, मतलब कौन सी इन सभी पुस्तकों में गणित की वस्तु पुस्तक है जो कि मध्ययुगीन भारत में लिखी गई थी? तो मध्ययुगीन भारत में जो लिखी गई थी वो थी जानते रहेगा लीलावती। और लीलावती लिखी है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है यहाँ पे कि गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय जो पुस्तक जो है वो कौन सी है? लीलावती। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि लीलावती को किसने लिखा, किसने है, तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीलावती के लेखक कौन है, तो जानते रहेगा लीलावती के जो लेखक हैं वो कौन है, वो हैं भास्कराचार्य सेकंड। ये जानते रहेगा, ये लेखक है, इसके जानते रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है, तो वह है लीलावती। अगर क्वेश्चन आया होता कि लीलावती के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर क्या होता है? भास्कराचार्य सेकंड। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 23 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? तो जानते रहिएगा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है उस टेक्निक को लेज़र कहते हैं। और लेज़र देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेज़र बोलते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून को। और 5 जून देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं कि और ये जो पॉइंट्स हैं इसमें क्या मनाया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें, जैसा आपको देखिए स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 12 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो ये भी आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है कि बस इतना याद रखना है, 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। 16 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो ये सारे पॉइंट आपको वन बाई वन लर्न कर लेने हैं। फिर देखिए आ जाते हैं 25 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जानते रहिएगा, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये स्थित है पेरिस में, और पेरिस देखिए है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है, ये आपको याद रखना है।
और लंदन को तो आपको बता ही दिया गया था कि लंदन में जो था वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हवा के परागगण को क्या कहा जाता है। तो जानते रहे हवा के परागगण को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एनिमोफिली। और एनिमोफिली देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हवा के पराग गण को एनिमोफिली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें देखिए एक आया है हाइड्रोफिली देखिए हाइड्रोफिली आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में। ये जानते रहिएगा इसको क्या कहते हैं, इसको जल पराग गण को कहा जाता है। जानते रहिएगा अगर आ जाए जल पराग गण को क्या कहा जाता है, जल पराग गण अगर आ जाए तो जानते रहेगा जल पराग गण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोफिली बोलते हैं जल पराग गण को, और हवा के पराग गण को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। तो अगर आ जाए एनिमोफिली किसे कहते हैं, हवा के पराग गण को, और आ जाए कि हाइड्रोफिली किसे कहते हैं, तो ये जल पराग गण को कहते हैं, गण को कहते हैं, ये याद रखना है फिर आपको। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जानते रहिएगा जो शब्द जो टी है ये जुड़ा हुआ है गोल्फ के साथ। गोल्फ देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शब्द जो टी आया है ये गोल्फ से संबंधित शब्द है, ये आपको याद रखना है। अच्छा अगर ये कहें कि जो है टी होता क्या है, तो जानते रहिएगा टी वह समतल भूमि होती है जहां पहला शॉट लगाया जाता है। तो याद रखिएगा टी वह समतल भूमि होती है जहां पहला शॉट लगाया जाता है, और ये शॉट कहां लगाया जाता है, गोल्फ में। जानते रहिए गोल्फ में जो पहला समतल भूमि पे शॉट लगाया जाता है उसी को बोलते हैं टी, इसलिए इसका संबंध किससे, गोल्फ से। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो जानते रहिएगा भारत का जो राष्ट्रीय गीत जिन्होंने लिखा है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी देखे हैं ऑप्शन नंबर बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है, तो जानते रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान जनगण मन, जो हम जनगण मन अधिनायक जय है जो गाते हैं ये राष्ट्रगान है। याद रखना है कि राष्ट्रगान किन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और अगर जाए राष्ट्रीय गीत की इन्होंने लिखा है तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आपको याद रखना दोनों पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रीय गीत का संबंध किससे, राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और राष्ट्रगान को किन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, जो पुनः फिर से सृजित हो सकता है वो कौन सा है। तो जानते रहिएगा मानव शरीर का वह अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वो है आपका लीवर, और जिसे आप यकृत कहते हैं। और लीवर देखिए यकृत आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है मानव शरीर का वह भाग जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है, वो कौन सा है, यकृत है। और जानते रहिए अगर यही क्वेश्चन होता कि सबसे कम कौन सृजित होता है, तो सबसे कम जो होता है वो होता है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो ये क्या होता है, ये होता है सबसे कम सृजित होने वाला जो है वो होता है, सबसे कम सृजित या सबसे कम विकसित होने वाला जो होता है वो कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है, ये याद रखना है। और यकृत के बारे में एक बात और आपको याद रखना है कि जैसे हमें पता है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है, वो यकृत तो है ही, लेकिन यकृत के बारे में एक बात आपको याद रखना है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। तो यकृत क्या होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ तीन पॉइंट आ गए कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है, वो कौन सा, यकृत पुनः विकसित होने के साथ साथ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। और दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम विकसित होने वाला या सबसे कम विकसित या सृजित होने वाला जो मानव जो शरीर का जो अंग है वो कौन सा है, वो है मस्तिष्क, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, और 13 नंबर है और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में लैंगरहैग के आइजेट कहाँ पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि मानव शरीर में लैंगरहैग और आइजोलेट ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जानते हैं कि मानव शरीर में लैंगरहैग और जो आइजोलेट जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं अग्नाशय में, और अग्नाशय दिखाया है यहाँ ऑप्शन नंबर दिखाया है बी में, तो
तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ वन बाई वन सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे जो भी आज हमने यहाँ पे 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। वैसे अगर ध्यान से देखें तो 30 क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन बन गए, लगभग यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे अगर पूरा अगर हम मिला दें तो मे भी आपको यहाँ वन बाई वन सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि आप वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं। तो चलिए इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.